दोस्तों रामायण से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं। वहीं कुछ तथ्य ऐसे भी हैं जो किसी रहस्य से कम नहीं है। उदाहरण के तौर पर माता सीता का रावण द्वारा हरण हुआ था। माता सीता रावण की लंका में रही थी। उनका निवास स्थान अशोक वाटिका था। ये हम सभी जानते हैं कि माता सीता ने लंका में एक वर्ष का समय बिताया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता सीता कुल कितने दिनों तक लंका में रही? ज्योतिषाचार्य राधा कृष्ण ने बताया था कि माता सीता के लंका में बिताए गए दिनों के पीछे गहरा जिसकी व्याख्या वाल्मीकि रामायण में विस्तार पूर्वक वर्णित की गई है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार लंका में माता सीता कुल 435 दिन तक रही थी। वहीं भगवान श्री राम ने युद्ध के दौरान लंका में 111 दिन बिताए थे। मान्यता है कि इन संख्याओं के पीछे रावण के विनाश का रहस्य छिपा हुआ है। 435 की संख्या में 4 चतुर्भुज दर्शाता है और 3 दर्शाता है त्रिलोकी ऊर्जा को, और इसके अलावा 5 की संख्या 5 तत्व और 5 महाभूतों को दर्शाता है। रामायण के मुताबिक इन संख्याओं के मिलने से रावण का वध संभव हुआ। चतुर्भुज का अर्थ है भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम, और त्रिलोकी का अर्थ है तीनों लोकों के स्वामी। पंच तत्व एवं पंच महाभूत यानी कि इन्हीं से मानव शरीर का निर्माण हुआ है। सरल शब्दों में कहें तो श्री राम के हाथों रावण का वध होना और श्री राम के 111 दिन दर्शाते हैं एक समय, एक योग और एक बाण, यानी कि रावण की मृत्यु का निश्चित समय योग और दिव्य मृत्यु बाण। दोस्तों यहां यह स्पष्ट हो जाता है कि माता सीता 435 दिन लंका में रही और वहीं प्रभु श्री राम लंका में 111 दिन रहे। दोस्तों यहाँ हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे कि प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए, और हो सके तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जानकारियाँ आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके।